चैलेंज करने लोगों का फेवरेट पिज्जा ब्रांड में से एक। ओ हे गाइस, दिस इज सृष्टि, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई होप यू आर सेफ। और टाइटल देख के आपको पता चल गया होगा आज हम क्या करने वाले हैं। तो आज हम करने वाले हैं 200 रुपए का चैलेंज। तो अब आप बोलोगे, दीदी आपने 200 रुपए का चैलेंज तो कर ही रखा है, तो अब दोबारा से 200 रुपए का चैलेंज क्यों कर रही हो? तो भाई बात ऐसी है, 200 रुपए का चैलेंज ना आज और ख़तरनाक होने वाला है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ हमें ब्रांड से ही खाना है। और तुमको पता ही है भाई, ब्रांड्स कितने महंगे हैं, ये मैकडी, डोमिनोज वगैरह वगैरह, और इनमें 200 रुपए में गुजारा करना इज़ हेल लॉट ऑफ एन एक्सपीरियंस और बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला चैलेंज। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और अगर आपको ऐसी वीडियो देखना पसंद है तो प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो चलते हैं, ढूंढते हैं, खोज करते हैं कि कैसे आज हम व्यतीत करेंगे अपना दिन इस 200 रुपए में। तो भाई चैलेंज जो है शुरुआत में ही इतना ज़्यादा ख़तरनाक हो गया। मैं ज़्यादा ना पैसे नहीं उड़ान चाहती थी सुबह सुबह की, अगर मैंने सुबह ही 60-70 रुपये उड़ा दिया बस हो जाता मेरा पूरा दिन का बेड़ा गरक। तो मैंने सोचा कि यार कि बर्गर ही खाते, क्योंकि बर्गर जो है ब्रांड्स पे फिर भी थोड़ा रीजनेबल रेट पे मिल जाता है। मैकडी में 44 कुछ का था, मैंने सोचा कि सबसे सस्ता कहाँ मिलेगा। तो मेरे को दिखा वेंडीज़ और मेरे दिमाग की घंटी बजी कि वहाँ पे ऑलमोस्ट 39 रुपीज़ का हमें बर्गर मिल जाता। पर यार यहाँ पे कुछ साल पहले ये बर्गर 29 रुपीज़ का था, बट एनीवेज मुझे अभी ये 39 रुपीज़ का ये बर्गर मिला है। तो टैक्स टूक्स लगा के ये मेरे को पड़ा है 41 रुपीज़ का एग्जैक्ट बर्गर जो है। तो सुबह सुबह यार देखो बर्गर से काम चलाना पड़ेगा। अब ये मत बोलना कि हमने वेंडीज़ का भी सुना नहीं है। वेंडीज़ एक अमेरिकन फास्ट फूड ब्रांड है और मैंने यहाँ का ले लिया है बन टिक्की, जो कि एग्जैक्टली मैकालो टिक्की की तरह लग रहा है, बट जस्ट दैट इनकी टिक्की जो है स्क्वायर है और सॉस भी सेम है और प्याज लगा हुआ है। बट ठीक है, रेट बहुत बढ़िया और खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। चाय भी थी 19 रुपए की, बट यू नो कड़की चल रही है तो मैं चाय भी नहीं ले पाई। यार इतना मुश्किल चैलेंज तुम लोग दे देते हो ना, बुरी हालत मेरी हो जाती है। एक्चुअली नाइस यार, तो केचप के साथ बर्गर बहुत अच्छा है। 39 रुपीज़ के हिसाब से बहुत ज़्यादा बढ़िया है। अगर आपने इस ब्रांड के बारे में सुना हुआ है तो नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। इतने में मैं अपना बर्गर निपटाती हूँ और ढूंढेंगे हम अपनी नेक्स्ट लोकेशन कि हमें सस्ता टिकाऊ खाना कहाँ से मिलेगा, ताकि हम अपने पूरे बजट में अपना चैलेंज कम्प्लीट कर सकें। तो अब हम आए हैं लंच करने लोगों का फेवरेट पिज़्ज़ा ब्रांड में से एक। पिज़्ज़ा हट पसंद है, डोमिनोज पसंद है, फटाफट कमेंट करके बताओ। बट मैं आई हूँ डोमिनोज में, क्योंकि पिज़्ज़ा हट में इतने महंगे पिज़्ज़ा हैं तो मैंने तो वो सजेशन में लिया ही नहीं। तो यार जैसे अगर हमारे जब पैसे नहीं होते और हमें पिज़्ज़ा खाने होते हैं तो कौन सा पिज़्ज़ा दिमाग में आता है? पिज़्ज़ा मेनिया, जो चार हम ग्रुप में मंगा सकते हैं। तो मैंने उसी में से एक ऑर्डर करा है, टोमेटो पिज़्ज़ा। वैसे मैंने सोचा था कि अनियन वाला ऑर्डर करूँ, बट वो बहुत ज़्यादा मेरे को महंगा पड़ा था, 65 रुपीज़ का पड़ा था। बट ये टैक्स टूक्स लगा के मुझे पड़ा है 62 का, ये लिया है मैंने टोमेटो। और मुझे यकीन नहीं हो रहा, मुझे ऑर्डर करते हुए भी इतना अजीब सा फील हो रहा था कि भाई जो सबसे सस्ता पिज़्ज़ा है वो दे देना। और टोमेटो टॉपिंग का पिज़्ज़ा मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद, बट आज हमें खाना पड़ेगा। व्हाट कैन आई एक्सपेक्ट, इट्स अ सैड लुकिंग पिज़्ज़ा, बट चलो एटलीस्ट एक पिज़्ज़ा तो मिल रहा है ना मुझे 200 के अंदर। मतलब ये नहीं होता कि उन्होंने कोई तकलीफ नहीं होता, मतलब ये होता कि उन्होंने तकलीफ ना डील करना होता। इतना पैसा में इतना ही मिलेगा, इतना ही मिल रहा है वही बहुत है यार। इट्स अ पिज़्ज़ा लिटरली, मुझे 62 रुपीज़ में पिज़्ज़ा मिल रहा है, बहुत बड़ी बात है, चाहे वो कोई भी टॉपिंग का क्यों ना हो। जो पिज़्ज़ा मेन्यू में कॉर्न वाली टॉपिंग वाला सबसे ज़्यादा पसंद है। और आपको कौन सा पिज़्ज़ा पसंद है डोमिनोज में वो मुझे कमेंट करके बताना। पेपी पनीर भाई, उसके अंदर चीज़ बस आहा। दीदी बोल रही थी केचप भी ले लो, मुझे पता था केचप के एक्स्ट्रा चार्ज लगेंगे इसलिए मैंने केचप नहीं ली। ये मुझे सूखा सूखा पिज़्ज़ा खाना पड़ेगा। ये केचप के तो पैसे लेते हो यार, वो तो कॉम्प्लीमेंट्री होनी चाहिए ना यार, समझ रहे हो, समझ रहे हो आप? पिज़्ज़ा बर्गर के साथ उसके पहले नहीं लेते थे पैसे, अब लेने लग गए हैं।
नो डाउट गर्मा गर्म बहुत सही लग रहा है, चाहे टॉपिंग कोई भी हो। तो गाइज हमारे सुबह 41 खर्च हुए और अभी हमारे 62 खर्च हुए, तो कितना हो गया, 103 रुपये हमारा खर्च हो चुका है। अब हमारे पास बचे हैं कुछ, कैलकुलेट कर लो अपने आप या मैं यहाँ पे लिख दूंगी। तो जब तक हम ये पिज़्ज़ा खाते हैं और आपसे मिलेंगे शाम को, देखते हैं कि शाम को क्या खाएंगे हम। सुबह वेंडीज़ का दिमाग भी मेरा सही लगा और पिज़्ज़ा मेनिया भी मैंने एकदम सही सोचा। तो भाई मैकडोनल्ड्स है मेरे बैक साइड में और मैकडोनल्ड्स में काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो रीज़नेबल रेट पे मिल जाती है, तो देखते हैं कि वो हमारे बजट में बैठती है या नहीं। चलो चलते हैं। तो गाइस मैकडी में यहाँ पे आपको स्कैन करके लेना था, तो वहाँ पे स्कैनर था तो हमने स्कैन कर लिया है, भैया ने हमें स्कैन करके दे दिया। तो ये मेन्यू खुल गया है हमारा, मेन्यू खुल गया है। तो काफ़ी सस्ती सस्ती चीज़ें मैं ढूंढ रही थी और एक दो सस्ती चीज़ मुझे मैकडोनल्ड्स में पता ही है। तो 42 का हमारा यहाँ पे मैकालू टिक्की था, तो सुबह हम बर्गर खा लिए, तो मैंने सोचा बर्गर नहीं खाते। तो मेरी फेवरेट, एक और फेवरेट चीज़ जो है मैक पफ, यार मैंने ऑनलाइन देखा था तो शायद ये 37 का दिखा रहा था, तो मेरी 3 रुपये की और बचत हो गई, यहाँ पे ये 34 रुपीज़ का है। तो चलो फटाफट ऑर्डर करते हैं और मैक पफ खाएँगे अब। तो अभी तक हमारा 103 रुपये की खर्ची हो गई थी, तो टैक्स टूक्स लगने के बाद हमारा ये 34 का 35.7 हो गया है। तो मैं इसको राउंड ऑफ करके 36 मान लेती हूँ, बाय चांस अगर आगे मुझे ज़रूरत पड़ी डिनर में कि मेरा वो थोड़ा सा ज़्यादा बन गया तो इसका राउंड ऑफ का थोड़ा बैक तो 30 पैसे माइनस कर देना उस टाइम पर। तो हमारा अभी मैं ऑर्डर कर देती हूँ, तो 103 + 36 रुपये कितना हुआ, 139 एंड लेफ्ट अमाउंट इज़ रिटन ओवर ईयर। मैं अभी मैथ्स नहीं लगा रही क्योंकि ऑलरेडी बहुत प्रेशर चल रहा है दिमाग में। तो रहन दो फिर। तो अब छुटकू पुटकू सा मैकपफ आ गया है हमारा और काफ़ी ज़्यादा इन्होंने पैकेजिंग चेंज कर दी है। जिस जिसको मैकपफ पसंद है ना फटाफट कमेंट करके बताओ, और आप ये भी कमेंट करके बताओ कि मैंने कोई अगर फूड चेन मिस करी है जहाँ पे सस्ता खाना मिलता है और जहाँ मैं जा सकती थी। तो ये रहा भाई हमारा मैकपफ, सस्ता टिकाऊ और बढ़िया। पहले ना मुझे पसंद नहीं आता था ये, बट धीरे धीरे मेरे को टेस्ट डिवेलप हुआ, मेरे को अच्छा लगने लगा ये। तो ख़त्म करते हैं और आपसे मिलते हैं बाद में। That's it. 62. 62. Okay. Yeah. फाइनली लास्ट मील ऑफ द डे, और 59 रुपीज़ का है ये टाको बेल का बुरीटो। और मैंने सर्च किया था तो मैंने इतनी सारी जगह सर्च किया। और आपको एक और बात बताऊँ, मुझे वैसे ना 1 रुपये ऊपर जा रहा था हमारा 200 रुपये से, बट 15% जोमेटो प्रो ने मुझे बचा लिया। वाह क्या सीन है। और मुझे इतना वियर्ड फील हो रहा था भाई, 62 रुपीज़ की चीज़ पे मैं जोमेटो प्रो लगा रही हूँ, इतने से सस्ती चीज़ पे जोमेटो प्रो लगाना बनता नहीं है, बट यार चैलेंज कर रहे हैं तो थोड़ी बेइज्जती तो सहन करनी पड़ेगी। और मेरा दोस्त इतना घच्चड़, उसने खोल दिया नेहरू प्लेस वाला, हमें अभी यहाँ पे बसंत कुंज वाले में पैसे कहीं और ही चले गए। मुझे लगा दोबारा पे करना पड़ेगा, वैसे ही पैसे नहीं है। तो भाई ये तो काफ़ी बड़ा रोल मिल गया हमें डिनर में, और ना पूरे दिन इतना सॉर्टेड। आप सोच रहे हो कि प्रो लगाने के बाद मेरा पूरा बिल 192 रुपीज़ का पड़ा, मतलब जो हमारा चैलेंज था उससे भी कम, वो भी बस जोमेटो प्रो की कृपा से, वरना तो हो गया था कत्लेआम। तो इसमें काफ़ी सारा चीज़ है, वेजीज है। मैं आज फर्स्ट टाइम खा रही हूँ बुरीटो, और मैंने बहुत बड़ी गलती करी इसको बीच में से ऐसे तोड़ के। दो टाइप के सॉसेज मिली है हमें, ये हॉट वाली और एक फायर वाली। तो ये इसके साथ खा के देखते हैं। तो ये पोटैटो बुरीटो रोल है और 59 रुपीज़ में सीरियसली वर्थ इट है। बहुत सारी डाल दी और एकदम मिर्ची लग गई है,
तो इसे ख़त्म करती हूँ और हमारा चैलेंज हमारा बहुत ही बढ़िया गया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और क्या वीडियो देखना चाहते हो मुझे कमेंट करके बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, स्टे फूडी एंड बाय।